आज मना रहे हैं। हम लोग के लिए गर्व, आज हम सभी यहाँ संविधान दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे देश ने स्वतंत्र के पहले व बाद में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन कभी डिगा नहीं, मजबूत चट्टान की तरह अडिग रहे। हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। भारत जैसे देश में हम लोग को जन्म हुआ, यानी संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा, जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सबसे ज्यादा भूमिका थी। और उसके साथ साथ यह संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर रेडी हुआ, लेकिन 1950 ईस्वी यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी का यह संविधान लागू हुआ, जिसके अनुसार हमारे पूरी देश, पूरी सरकारी संस्थान एवं जो भी संस्थान कहिए या उसके माध्यम से चलाया जाने वाला हथियार कहिए। मुझे बहुत गर्व है कि भारत देश का महान देश में मुझे जन्म हुआ, और आप सभी को बहुत गर्व महसूस होता होगा कि भारत देश महान देश में आप सबको जन्म हुआ। सबसे पहले मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस उपलक्ष्य में मुझे 2 साल बोलने का मौका मिला। सबसे पहले शिक्षागण और छात्रों को नवम्बर संविधान दिवस के साथ साथ कानून दिवस भी मनाई जाती है। यह संविधान ही है जो एक आजाद देश का आजाद नागरिक की भावना का एहसास करा। उनको तहे दिल से शुक्रिया। हम इस तरह जानते हैं कि संविधान को बनाने में, संविधान को लागू करने में दो वर्ष ग्यारह माह 18 दिन लग गए हैं। इस संविधान जानते हैं कि हम इस संविधान के बिना कोई देश या किसी भी पार्टी को करने में समर्थ नहीं रह सकते। बिना संविधान के हमें जानवर के भांति हैं, माने जाए तो। इसलिए इस संविधान को लागू करने के लिए हमारे जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है, उनका मुख्य भूमिका रहा है इसमें। 9 दिसंबर 1946 को इस